Hello everyone, welcome to our both new channel SSC and RRB Express. तो आज हम यहाँ डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स 19 नवंबर 2019 के 19 नवंबर 2019 के और आपका SSC CPO आ रहा है, बाकी आपकी रेलवे के भी एग्जाम आ रहे हैं जैसे RRB MTPC NTPC, तो उनके लिए करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी अच्छे क्वांटिटी अच्छे नंबर में आते हैं ये। और इसी के साथ आपने एक चीज़ और सुनी होगी ऑलिव बोर्ड पे SSC संगम करके, तो ऑलिव बोर्ड करने जा रहा है एक SSC संगम जहाँ पे आपको सारे एक्सपर्ट्स टॉपर एक ही जगह मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो आप बीइंग एन एस्पिरेंट उनसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली, अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, उनसे अपनी स्ट्रैटेजी पूछ सकते हैं। मतलब पहली बार आपको ऐसा मौका मिल रहा है जहाँ पे आप उनसे फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे SSC एस्पिरेंट हैं जिनको निकालना है SSC एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। और इसके बारे में अगर आपको और डिटेल्स जाननी है तो इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पे वीडियोस भी डाली हुई है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको सारी डिटेल मिलेंगी वेन्यू की टाइम की। तो एक तो वैसे आज ही है इवेंट, मतलब आज 19 नवंबर को जो कि है आपका लखनऊ में, ठीक है, और दूसरा इवेंट है आपका 21 नवंबर को कानपुर में। तो इन एनी केस अगर आपने लखनऊ का इवेंट मिस कर भी दिया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 21 नवंबर को सेम इवेंट आपका कानपुर में भी होने वाला है, ठीक है। और बाकी इसमें अगर आपको जाना है तो आपकी एक पार्टिसिपेशन होगा, उसके लिए आपका फॉर्म है जिसका लिंक हमने वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वो फिल करके अपना पार्टिसिपेशन शो करना है, अपना नाम फ़ोन नंबर ये ईमेल आईडी वगैरह डाल के, और वो पार्टिसिपेशन फॉर्म एकदम फ्री है। दैट मीन्स कि आप अपने फेवरेट एक्सपर्ट और टॉपर से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, दैट टू इन अ फ्री, देयर इज नो पार्टिसिपेशन फी। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नए वीडियो या नए नोटिफिकेशंस यहाँ से मिस ना कर पाएँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, ठीक है, मतलब भारत के अगले CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन टू, शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। शरद अरविंद बोबड़े हैं वो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश, यानी कि भारत के नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। वे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने, मतलब ही इज दी 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 46 मतलब उनसे पहले थे रंजन गोगोई, ठीक है, तो उनसे पहले रंजन गोगोई थे। अगला देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मतलब झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, ठीक है, तो हु बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ द झारखंड हाई कोर्ट। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन वन, डॉक्टर रवि रंजन। तो डॉक्टर रवि रंजन हैं वो झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। वे झारखंड उच्च न्यायालय के 13वें मुख्य न्यायाधीश बने, मीन्स ही इज दी 13 चीफ जस्टिस ऑफ दी झारखंड हाई कोर्ट, ठीक है। उनसे पहले कौन थे, उनसे पहले थे अनिरुद्ध बोस, ठीक है, तो उनसे पहले कौन थे चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश, वो थे अनिरुद्ध बोस, ठीक। झारखंड के राज्यपाल की यानी कि गवर्नर की बात करें तो वो है द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो है रघुवर दास, और राजधानी की बात करें झारखंड की यानी कि कैपिटल तो वो है रांची। अगला देखिए, AIBA एथलीटो आयोग, मतलब AIBA एथलीट कमीशन के सदस्य के रूप में किससे नियुक्त किया गया है, सो ही वाज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ AIBA एथलीट कमीशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन वन, सरिता देवी, ठीक है, तो सरिता देवी को नियुक्त किया गया है। सरिता देवी कौन है, सरिता देवी एक बॉक्सर हैं, ठीक है। मणिपुर की सरिता देवी, मतलब ये मणिपुर से हैं ये भी याद रखिएगा, तो मणिपुर की सरिता देवी 5 महाद्वीपों के 6 मुक्केबाजों में शामिल हैं जिन्हें AIBA एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है, ठीक है, मतलब 6 मुक्केबाजों में से एक ये हैं जिनको चुना गया, ठीक। AIBA का मुख्यालय की बात करें यानी कि हेडक्वार्टर की, तो वो है लॉजन स्विट्जरलैंड में, जो कि स्विट्जरलैंड में, ठीक। मणिपुर के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो है एन बिरेन सिंह, राज्यपाल गवर्नर की बात करें मणिपुर के तो वो है नजमा हेपतुल्ला, और राजधानी मणिपुर की राजधानी कैपिटल की बात करें तो वो है इम्फॉल, ठीक है। मणिपुर आपका नॉर्थ ईस्ट उसमें आता है रीजन में, तो जितनी भी ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होती है ना, इनकी राजधानी उनकी कैपिटल पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगला देखिए, सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस कब आता है, ठीक है, दैट मीन्स वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स कब होता है,
तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन फोर, 17 नवंबर। तो ये दिन जो है ये 17 नवंबर को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। ये दिन दुनिया भर में हर साल नवंबर के तीसरे रविवार को मनाया जाता है, ठीक है। तो नवंबर का जो तीसरा रविवार होता है ना, उस दिन ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। ये सड़क यातायात दुर्घटनाओं और के पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए उपयुक्त स्वीकृति का प्रतीक है, ठीक है। इस साल का जो विषय है, मतलब इस साल का जो थीम है, वो है जीवन एक कार हिस्सा नहीं है, मतलब लाइफ इज नॉट अ कार पार्ट, ठीक। सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होता है, दैट मीन्स इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। कब मनाया जाता है, तो ये होता है ऑप्शन टू 16 नवंबर, ठीक है। 16 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। ट्रेड रिश्वत मैट्रिक्स के अनुसार, मतलब ट्रेड ब्राइबरी मैट्रिक्स, रिश्वत मतलब ब्राइबरी, तो ट्रेड ब्राइबरी मैट्रिक्स के अनुसार दक्षिण एशिया मतलब साउथ एशिया में व्यापार रिश्वतखोरी मतलब बिजनेस में ब्राइबरी, ठीक है, बिजनेस ब्राइबरी के जोखिम में कौन सा देश सबसे ऊपर है, ठीक है। मतलब विच कंट्री टॉप्ड बिजनेस ब्राइबरी रिस्क इन साउथ एशिया, आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर, बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश है जो दक्षिण एशिया में व्यापार रिश्वतखोरी के जोखिम में सबसे ऊपर है, ठीक है। सोमालिया कुल मिलाकर शीर्ष पर रहा, ठीक है। तो जो बांग्लादेश है वो आपका साउथ एशिया में है, ठीक है। सोमालिया जो है वो पूरी लिस्ट में, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, सारे कंट्रीज की बात करें, तो उसमें टॉप पर है सोमालिया, ठीक है। सोमालिया ने टॉप करा है, ठीक, वो सबसे ऊपर स्थान पर है। और बांग्लादेश की रैंक की वैसे बात करें तो वो है 178, ठीक है। 178 रैंक है वैसे बांग्लादेश की वर्ल्ड में, ठीक। बांग्लादेश की राजधानी कैपिटल है ढाका, और बांग्लादेश की मुद्रा करेंसी है टका, ठीक। प्रसिद्ध गणितज्ञ का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है, मतलब द फेमस मैथमेटिशियन, ठीक है। एक नोटेड मैथमेटिशियन है जिनकी हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थ्री, वशिष्ठ नारायण सिंह, ठीक है। तो वशिष्ठ नारायण सिंह वो मैथमेटिशियन, वो गणितज्ञ है, ठीक है। उनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है। तो जब उनका निधन हुआ तब वो 77 ईयर्स के थे, ठीक। उनका जन्म बसंतपुर गांव में हुआ था, ठीक है। तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, बसंतपुर गांव में, जो कि भोजपुर बिहार में है, ठीक। वे सिजोफ्रेनिया के से पीड़ित थे, तो उनका निधन कैसे हो गया, क्योंकि वह सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थे, ठीक है। अगला देखिए, विश्व शौचालय दिवस कब होता है, दैट मीन्स वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन फोर, 19 नवंबर, ठीक है। तो हर साल 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस होता है, वर्ल्ड टॉयलेट डे। इसका उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन और नीतियों का कार्यान्वयन है, जो खुले में शौच को समाप्त करेगा और गरीबों में स्वच्छता की पहुंच बढ़ाएगा, मतलब जो पुअर होंगे उनमें हाइजीन की समझ बढ़ाएगा, और साथ ही साथ जो ओपन डेफिकेशन है उस चीज को प्रमोट करेगा, ठीक है। 2013 के बाद से, मतलब 2013 से के बाद से 19 नवंबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा इस दिन को चिन्हित किया जाता है, ठीक है। तो जो यूनाइटेड नेशंस थे, उन्होंने 2013 से 19 नवंबर को हर साल वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाने की घोषणा की थी। तो इसी के साथ आपके 19 नवंबर 2019 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे सारे कवर कर लिए हम लोगों ने। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ SSC संगम देखना ना भूलें, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती हैं, तो इसको एक बार ज़रूर देखें।